गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डू द फर्स्ट चैप्टर द एल्स एंड द शो मेकर। इस चैप्टर में पहले हमने ये वर्ड मीनिंग पढ़े हैं, शो मेकर, एल्स, पेयर, मास्टरपीस, स्किलफुली, कस्टमर, यूजुअल, हैमर। ये चीज़ें हमने पहले पढ़ चुकी हैं, हमने जो हमने मीनिंग्स किए थे वर्ड्स वो ये चीज़ें। उसके बाद देखो, हैव यू एवर बीन टू ए शो मेकर, क्या तुम कभी शो मेकर के पास गए हो। सेकेंड, हैव यू हर्ड अबाउट एल्स, क्या तुमने एल्स के बारे में कभी सुना है। एल्स इसे कहते हैं बॉनेट। उसके बाद डू यू लाइक वेयरिंग न्यू शूज़, क्या तुम्हें नए जूते पहनना पसंद है। वंस देयर वॉज अ शू मेकर, ही बिकेम सो पुअर दैट ही हैड नथिंग लेफ्ट टू रन हिज फैमिली बट ओनली इनफ लेदर फॉर जस्ट वन पेयर ऑफ शूज़। एक बार एक शू मेकर होता है, वो इतना पुअर हो जाता है कि उसको फैमिली चलाने के लिए उसके पास एक पेयर ऑफ शूज़, मतलब उसके पास कुछ नहीं बचता, सिर्फ उस पर एक पेयर ऑफ शूज़ का लेदर बचता है, यानी जिसे चमड़ा बोलते हैं। इन द इवनिंग ही कट द लेदर विद अ ग्रेट केयर टू मेक द शूज़। इवनिंग में क्या करता है वो, शाम को क्या करता है, उस लेदर को इस तरह कट करता है, बिल्कुल मतलब ध्यान से कट करता है ताकि उससे एक पेयर ऑफ शूज़ बन जाए, यानी जूते बन जाए। बट ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड दैट ही लेफ्ट हिज वर्क ऑन द टेबल टू फिनिश इन द मॉर्निंग। वो बहुत निराश होता है कि उसका वर्क पूरा नहीं होता और वो मॉर्निंग के लिए टेबल के ऊपर ही सारा काम छोड़ के चला जाता है। ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर बिकॉज ही फेल एस्लीप। ही प्रेयर टू गॉड एंड आस्क गॉड टू हेल्प हिम। यानी वो क्या करता है, सोने से पहले वो क्या करता है, प्रेयर करता है गॉड से। इन द इवनिंग ही फाउंड अ वंडरफुल पेयर ऑफ शूज ऑन हीज टेबल। ही वॉज सरप्राइज, ही टुक द शूज़ इन हीज हैंड एंड लुक एट दम क्लोजली। मॉर्निंग में क्या करता है, उसे एक बहुत सुंदर पेयर ऑफ शूज़ मिलता है टेबल के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, सरप्राइज हो जाता है। ही टुक द शूज़ इन हीज हैंड एंड लुक एट हिम, उसके देखने वो जूतों को हाथ में उठा लेता है और देखने लगता है। दे वॉज सो नीटली मेड दैट देर वॉज नॉट इवन वन बैड स्टिच ऑन दैम। द पेयर ऑफ शूज वॉज इन डीज अ मास्टर पीस। वो क्या करता है, हाथ में जूते उठा लेता है एंड लुक एट दैम क्लोजली, उसको देखने लगता है। एंड वो देखता है कि जूते इस तरह बने हुए, उसमें कोई भी ऐसा मतलब स्टिच नहीं लगा, धागा नहीं लगा जो मतलब बिल्कुल जो गलत हो। द पेयर ऑफ शूज़ वो बहुत आउटस्टैंडिंग बने होते हैं, मतलब बहुत अच्छे बने होते हैं। उसके बाद सून थोड़े दिनों बाद उसके पास एक कस्टमर आता है शॉप के अंदर, एंड वो पेयर ऑफ शूज़ जो है उसको बहुत पसंद आता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसको यूजुअल प्राइस पर बेच देता है, उसको उतना प्राइस मिल जाता है कि वो बाय कर सके लेदर उतना कि जिससे दो पेयर शूज़ बन जाए। इस तरह क्या करता है, उसके बाद रात को वो क्या करता है, उस लेदर को कट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में इन ही फाउंड पेयर ऑफ ब्यूटीफुली फिनिश शूज़, और उसे फिर दो शूज़ जो हैं बड़े सुंदर बने हुए मिलते हैं, दो पेयर। ही कंटिन्यूड फॉर मैनी नाइट, वो ऐसे काफ़ी दिनों रातों तक करता रहता है। एंड एनी लेदर दैट ही कट आउट इन द इवनिंग वॉज ब्यूटीफुल फिनिश्ड इन बाय द मॉर्निंग, सून द शू मेकर बिकम रिच। उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, ऐसे ही करता रहता है, कितनी रातें ऐसे ही करता रहता है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो शू मेकर जो है बहुत ज़्यादा रिच होता है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पेज जो है हम कल रीड करेंगे। थैंक यू।